नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल हमारा बिहार में। आज 26 जुलाई 2019 और 26 जुलाई 2019 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो का PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सारे दिन का PDF मिलेगा और सारे वीडियो का आप लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 क्वेश्चन रखा है, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो लास्ट तक देखना ज़रूर देखिए। और अभी तक मैंने 8 सेट प्रैक्टिस भी अपलोड कर दिया है बिहार करंट अफेयर्स का, तो प्लेलिस्ट में जाके आप सेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स जो बिहार से जुड़े हुए हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार में 5वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों, ये किया जाएगा नालंदा में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा में किया जाएगा इसका आयोजन। और इसमें 11 देश के 250 विद्वान शामिल होंगे जो धर्म पे व्याख्यान देंगे। ठीक है, अब नाम आया है नालंदा जिला का, तो चलिए बिहार के मैप में देखते हैं नालंदा कहाँ पर है। ये रहा बिहार का मैप और ये रहा आपका नालंदा। नालंदा जिला का सीमा किस किस जिला से सटा हुआ है? तो देखिए, पटना है, जहानाबाद है, गया है, नवादा है, शेखपुरा है और लखीसराय है। ठीक है, अब नाम आया है नालंदा का, तो चलिए नालंदा के बारे में जानते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। नालंदा का स्थापना 1972 में हुआ है। क्षेत्रफल हो गया 2355 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर है 64.43%। और लिंगानुपात है 922 महिला प्रति 1000 पुरुष। जनसंख्या घनत्व हो गया यहाँ का 1222 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और नालंदा प्राचीन काल में शिक्षा और ज्ञान का केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त हैं। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। वेनसांग 12 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थी और शिक्षक के रूप में व्यतीत किए थे। और हर्षवर्धन कुमार गुप्त ने नालंदा को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई थी। 1951 में नालंदा में एक संग्रहालय का निर्माण किया गया, जिसका नाम नव नालंदा महाविहार था। नालंदा में ही राजगीर है, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ बिहार का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। राजगीर का पुराना नाम ग्रीवज था, जो कि मगध की राजधानी थी। यहीं पर महात्मा बुद्ध ने बिंबिसार को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। राजगीर का प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल में विश्व शांति स्तूप, सोन का भंडार गुफा, मनियारी मठ, सप्तधारा, गर्म जलधारा का झरना प्रमुख है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी, और ये जो बिहार शरीफ है ये नालंदा में है। कुपाषाणकालीन नागार्जुन नालंदा का एक प्रसिद्ध रसायनविद था, जिसने बीकर उपकरण का आविष्कार किया था। वही बीकर जो अभी हम लोग लेबोरेटरी में यूज करते हैं। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफी संप्रदाय से था। उनका जन्म 1262 में मनेर में हुआ था, जो कि पटना में है, तथा मृत्यु बिहार शरीफ में हुआ था, जो कि नालंदा जिला में है। ठीक है, मध्यकाल में बिहार शरीफ पाल वंशीय शासक गोपाल द्वारा निर्मित कराए गए ओदनपुरी विश्वविद्यालय एवं प्रसिद्ध सूफी संत शेख सरफुद्दीन मनेरी की दरगाह के लिए प्रसिद्ध था। और मध्यकाल में बिहार शरीफ विद्या का धार्मिक तथा प्रशासनिक केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार किसने इलेक्ट्रिक कार की सवारी कर इसे लॉन्च किया है? तो नीतीश कुमार जी ने इसकी सवारी कर इसे लॉन्च किया है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फोटो में भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास से विधानसभा तक इसकी सवारी की है। और इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 50% तक की छूट देगी सरकार। क्या चीज़ में? तो रोड टैक्स में। ठीक है, और 80 पैसे प्रति किलोमीटर के लागत से चलेगी कार, और 50 मिनट में फुल चार्ज होगी, और फुल चार्ज होने पर 142 किलोमीटर तक चल सकती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय में राज्यपाल के द्वारा कितने कार्यों का उद्घाटन किया गया है? तो 5 कार्यों का उद्घाटन किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फोटो में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन से कार्य का उद्घाटन किया गया है? तो पानी साफ करने के संयंत्र, वर्षा जल संरक्षण, पौधारोपण, सौर ऊर्जा इकाई और जीरो बजट कृषि। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक राज्य में TB उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक राज्य में TB उन्मूलन का
लक्ष्य रखा गया है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस। अगला क्वेश्चन है, सचिवालय तथा राज्य स्तरीय कार्यालय को हरा भरा रखने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने किस नाम से पर्यावरण सुरक्षा समूह का गठन किया है? तो उस संगठन का नाम है इको सखा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संकरी गलियों में आग बुझाने के लिए सरकार कितनी फायर ब्रिगेड बाइक खरीदेगी? तो सरकार 24 फायर ब्रिगेड बाइक खरीदेगी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सरकार ने पहले चरण में 12 फायर स्टेशनों के लिए दो दो मोटरसाइकिल खरीदने के लिए 1,74,00,000 रुपये का आवंटन भी किया है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में महिलाओं के कल्याण पर कितनी राशि खर्च की जाएगी? तो वित्तीय वर्ष 2019-20 में महिलाओं के कल्याण पर 30,874 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इसके साथ ही बाल कल्याण पर कुल बजट का 10.42% खर्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रैंकिंग टेनिस में बिहार के किस खिलाड़ी ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया है? तो प्रशंसा श्रीवास्तव ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फोटो भी देख सकते हैं, यही है प्रशंसा श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है, फलों के उत्पादन में बिहार देश में कौन सा स्थान पे है? तो फलों के उत्पादन में बिहार का स्थान 7वां है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान 3रा है देश में। अगला क्वेश्चन है, 5 अक्टूबर को विश्व डॉल्फिन दिवस पर बिहार में कहां पर डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पटना विश्वविद्यालय में, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, करीब 60 करोड़ की लागत से 2 एकड़ में बनेगा डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। और बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और महानंदा नदी में 1,548 डॉल्फिन पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, फैक्ट्री से निकलने वाले पानी में मिले घातक रसायन को अलग करने के लिए पहले चरण में कितने जगहों पर ETP, जिसका फुल फॉर्म होता है एफिलिएंट ट्रीटमेंट प्लांट, का निर्माण किया जाएगा? तो पहले चरण में 4 ETP का निर्माण किया जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और कहाँ कहाँ पर किया जाएगा, तो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर जो कि वैशाली में है, और फतुहा में जो कि पटना में है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था आज का करेंट अफेयर्स, चलते हैं कल के रिवीजन के तरफ। तो कल के रिवीजन का पहला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित उन्नयन बाका का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो उन्नयन बाका का नाम बदलकर रखा गया है उन्नयन बिहार, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था, बिहार के किस जिले में भारत के प्रसिद्ध कंपनी L&T के द्वारा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल विद्युत संयंत्र लगाया जाएगा? तो बक्सर में लगाया जाएगा L&T के द्वारा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आज का रिवीजन का क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में तालाब में तैरते हुए सोलर प्लांट से बिजली उत्पादन किया जाएगा? ठीक है, और आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रति छात्र मिड डे मील की राशि में कितनी की बढ़ोतरी की गई है? तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों इस वीडियो का PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ऐप में सर्च कीजिए हमारा बिहार HB और चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सारे दिन का PDF भी मिल जाएगा और सारे वीडियो का आप लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।